तो हाँ भाई लौंडो, सब बढ़िया। तो भाई आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम नॉर्मली जैसे वॉइस ओवर देते हैं वैसे नहीं देंगे। आज मैं रनिंग वीडियो में कमेंट्री टाइप करूँगा, जैसे नॉर्मली वीडियो चलेगी उसी हिसाब से मैं बोलने की कोशिश करूँगा। और आज की वीडियो में हम करने वाले कस्टमाइजेशन। जैसे हम कस्टमाइजेशन की वीडियो नॉर्मली बिना वॉइस ओवर के डालते हैं, आज मैं ट्राई कर रहा हूँ वॉइस ओवर के साथ वीडियो डालने की। तो आज की वीडियो में हम खरीद रहे हैं बेनेफैक्टर SM722। अभी ये नई ड्रिप फीड जो कार्स आ रही हैं, ये उसके साथ में रिलीज होने वाली पहली कार है। तो ये एक रेप्लिका है मर्सिडीज की गाड़ी की, तो मुझे नाम याद नहीं है उस कार का, लेकिन काफी अच्छी कार है। देखते हैं ये क्या क्या कस्टमाइजेशन दी है इस बार इसके अंदर। वैसे ये कार थोड़ी सी डिफरेंट है, ये GTA 5 में ऑफलाइन के अंदर ये वाली कार है, बट ये ऑनलाइन में अब इन्होंने लॉन्च की है। बट थोड़ी सी डिफरेंट है ये, बिल्कुल सेम नहीं है जैसी ऑफलाइन में है, थोड़ी सी डिफरेंट है। और मेरे ख्याल परफॉर्मेंस में भी काफी चेंजेस हैं इसके। बाकी $2.15 मिलियन की है, तो काफी जिसे कहते हैं ना हेफ्टी प्राइस है, सस्ती नहीं है। बट अपने को तो खरीदनी है भाई, हम तो यू नो वी आर सकर फॉर कार्स, सो लेट्स गो खरीदते हैं इसे। तो यहाँ पे तो हम इसे किसी भी कलर में मंगा लेते हैं, चलो वाइट में ही मंगा लेते हैं, इसे ऑर्डर करते हैं। और अपने कहाँ मंगाए, एक्लिप्स पेंट हाउस में मंगा लिया हमने ये, ठीक है। तो अभी ये थोड़े टाइम में डिलीवर हो जाएगी वहाँ पे, तो जैसे ही ये डिलीवर हो जाती है फिर हम आपको मिलते हैं अपने गैरेज में। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने हाई एंड अपार्टमेंट के गैरेज में, और वो खड़ी हमारी बेनेफैक्टर SM722। काफी गुड लुकिंग कार है, लेटेस्ट कार है, देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी है इसकी। अब इसे हम लेके चलते हैं अपने ऑटो शॉप में। अभी जैसे नॉर्मली हम इसे चला रहे हैं तो ठीक है, कोई बहुत ज्यादा अच्छी इसकी स्पीड नहीं लग रही मेरे को, बट कस्टमाइजेशन करने के बाद देखते हैं कि कैसी लगती है। बाकी लुक भी ठीक ही है। अब मेरे को जैसे सामने से इसको देख रहा हूँ तो मुझे इतना ये पसंद नहीं आ रही है, बट ठीक है कोई नहीं, कस्टमाइजेशन करके देखते हैं, क्या पता इसकी लेवरीज वगैरह काफ़ी अच्छी हो। और गाइज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको इस तरीके की वॉइस ओवर वाली वीडियोस पसंद आ रही हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके की सीरीज़ निकालूँ एक, जिसके अंदर मैं काफ़ी सारी कार्स की ऐसी रनिंग कमेंट्री करूँ, जिसके अंदर हम कस्टमाइजेशन करेंगे, कार्स खरीदेंगे, जिसमें फास्टेस्ट कार्स भी होंगी, और मतलब काफ़ी सारी कार्स की सोच रहा हूँ मैं। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपके आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो अब हम ऑटो शॉप में एंटर कर चुके हैं, यहाँ ऑटो शॉप में सारा भरा पड़ा है, तो यहाँ से हमें एक कार निकालनी पड़ेगी। तो हमारी SM722 स्पोर्ट्स आ चुकी है कस्टमाइजेशन डॉक पे, इसे डॉक कह लो या कुछ भी कह लो। तो सबसे पहले हम आर्मर लगा लेते हैं, आर्मर 100% अपना यही चलता है। ब्रेक्स हम अपने रेसिंग ब्रेक्स लगाएंगे। बम्पर, फ्रंट बम्पर चेक करते हैं, रेसर बम्पर, स्टॉक फ्रंट बम्पर, आर्क बम्पर, स्पीड बम्पर, कार्बन स्पीड बम्पर, स्पीड MK2 बम्पर और कार्बन स्पीड MK2 बम्पर। इसमें से डुअल टोन स्पीड बम्पर, MK2 मुझे इसमें से, चलो ये लगा लेते, कार्बन स्पीड MK2 बंकर बम्पर, सॉरी। ठीक है अब रेयर बम्पर देखते हैं, कार्बन डिफ्यूजर, स्ट्रीट डिफ्यूजर, कार्बन स्ट्रीट डिफ्यूजर, रेस डिफ्यूजर, कार्बन रेसर डिफ्यूजर, स्पीड डिफ्यूजर एक और कार्बन स्पीड डिफ्यूजर। चेंज तो कुछ खास नहीं है, चलो वो हाई एंड लगवाया तो ये भी हाई एंड ही लगवाते हैं, चलो।
अब चलते हैं इंजन। इंजन तो अपना लेवल 4 लगेगा। एग्जॉस्ट, ये क्या है इतना सा एग्जॉस्ट? अच्छा साइड एग्जॉस्ट है। ओके ओके ओके, साइड एग्जॉस्ट लगवा लें क्या? पीछे वाले तो नॉर्मली हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है, तो साइड एग्जॉस्ट लगवाते हैं। चलो ओके, अब आती है हुड की बारी। स्पीड हुड, वेंटेड हुड, रेसर हुड, परफॉर्मेंस हुड और बॉल्ज हुड। बॉल्ज बॉल्ज ठीक है, बॉल्ज ठीक लग रहा है। या सिंपल स्लीक रखनी है। वैसे हमने बम्पर्स तो हमने थोड़े से रेसर टाइप के लगवाए, तो बॉल्ज लगवा सकते हैं। चलो बॉल्ज लगवा लेते हैं। बाकी इसकी लेवरी देखनी पड़ेगी कि लेवरीज में क्या है। तो हेडलाइट्स तो अपनी जिनन ही लगवानी है हमने, और नियॉन लेआउट हमने साइड, फ्रंट और बैक तीनों में लगवाना है, मतलब चारों साइड। बाकी इसकी पहले कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो रीस्प्रे में गए हम प्राइमरी और मेटालिक। तो मेटालिक के अंदर देखते हैं हम। वैसे मेरा मन इसको ग्रे में था, लेकिन अभी हमने अपनी टेरर एक्सो ग्रे करवाई है, तो ग्रे नहीं करवाऊंगा मैं इसे। इसे कुछ अलग कलर कराते हैं, इसका थोड़ा सा यूनिक या डार्क कलर। मेरी सारी कार्स डार्क कलर की हैं, मैं थोड़ा डार्क कलर मुझे पसंद है, तो इसको थोड़ा लाइट रखने की कोशिश करते हैं। वाइट से ज़्यादा लाइट क्या ही होगा यार। ग्रे में अच्छी लग रही है यार, थोड़ा स्टील कलर में, बट इसको लाइट कर पाएंगे हम थोड़ा लाइट। अब लाइट कलर मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है, ये तो बेकार है। भैंडी ब्राइट ऑरेंज यार, येलो भी ठीक लग रही है वैसे। ड्यू येलो, ये तो लेमनी सा लग रहा है मुझे, कुछ लेमन कलर। ये रहा लाइम ग्रीन, नहीं नहीं यार, मीम कार बन जाएगी। डायमंड ब्लू, अरे नॉट बैड यार। अल्ट्रा ब्लू ब्राइट एकदम। मेरे पास है भी नहीं इस कलर में कोई कार, तो एक बार चेक करके देख लेते हैं, और फिर बाकी अगर नहीं लगी तो ये ब्राइट ब्लू करा लेंगे। ना ब्लीच ब्राउन नहीं अच्छा लग रहा, लाइट ब्लू ठीक, वो अच्छा लग रहा है ब्लू। अल्ट्रा ब्लू अल्ट्रा ब्लू अल्ट्रा ब्लू करा लेते हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं लेवरीज। लेवरीज में क्या क्या है? स्ट्रिप है, ये तो ब्लैक स्ट्राइप ऐसी नॉर्मली, रेड स्ट्राइप नहीं, वाइट स्ट्राइप। ओके ओके, नॉट बैड नॉट बैड, आई लाइक व्हाट आई सी। नॉट दिस, नॉट गुड। एरो ओके ओके, सो नॉट बैड। ना फेडिंग ब्रांड ना स्पीड। वैसे मुझे अभी तक एक ये और एक ये दो ठीक लग रही है, बट यार ये जो लेवरी है ना एरो ब्लैक, ये थोड़ी सी डार्क कलर के साथ अच्छी लगेगी, और ये वाइट स्ट्रिप जम रही है इस पर, ये जम रही है इस पर।
कलर कॉम्बो ठीक लग रहा है मेरे को। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना, मेरी चॉइस थोड़ी ऐसी है, थोड़ी यूनिक, थोड़ी अलग, तो आपको कैसी लगी है? मैं तो यही लगवा रहा हूँ, ठीक है, वाइट स्ट्राइप्स लगवा लेते हैं। चलो लेट्स गो। प्लेट्स तो अभी अपनी क्रू का है नहीं, तो क्रू का अभी नहीं लगवाएंगे, जो फ्री है वही। और सेकेंडरी कलर के अंदर एक बार सेकेंडरी कलर में क्या चेंज हो रहा है भाई? अच्छा ये चेंज हो रहा है इसका, ओके 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 ओके, ग्रे करते हैं ना इसको, जो अपनी एक मेटालिक कर लेते हैं, इसे स्टील कर लेते हैं, इसे स्टील, नहीं स्टील नहीं अच्छा लग रहा, सिल्वर, सिल्वर कर लेते हैं, एक्सेंट से मिलेगा थोड़ा सा सही। सिल्वर ठीक है, ठीक ही लग रहा है यार मेरे को तो। रूफ एक्सेसरीज ओके, स्पॉइलर हाँ या नहीं? नहीं स्पॉइलर का भी काम करेगा ये तो, कुछ कुछ मुझे यही ठीक लग रहा है, वही ठीक लग रहा है। स्प्लिटर, स्प्लिटर्स हाई एंड लगवाते हैं चलो, क्योंकि ऐसा कुछ पसंद नहीं आ रहा था इसमें, ये भी हाई एंड लगवाते हैं क्योंकि हाई एंड इज बेटर। स्पॉइलर अब आया ना, स्पॉइलर हम इसमें ज़्यादा बड़ा स्पॉइलर नहीं लगवाएंगे, छोटा स्पॉइलर लगवाएंगे क्योंकि बड़ा स्पॉइलर अच्छा नहीं लगेगा इसके ऊपर, तो थोड़ा सा डिसेंट। नाइस ये ठीक है, सेकेंडरी रेसर स्पॉइलर, सस्पेंशन तो ऑलवेज लोअर, ट्रांसमिशन, रेस ट्रांसमिशन, टर्बो, टर्बो ट्यूनिंग, व्हील्स, व्हील्स ठीक नहीं लग रहे इसके स्टॉक, तो इसके व्हील्स चेंज करते हैं हाई एंड स्टॉक व्हील्स के अंदर। हम इसमें रखेंगे थोड़ी कटिंग एज टाइप है ना, तो इसमें एजी से ठीक लगेंगे थोड़े एंगल्स, और वो ये ठीक है। शेडो कलर ना ना ना, नॉर्मल ठीक है। डिजाइन नहीं, एनहांसमेंट बुलेट प्रूफ ठीक रहेगी। स्मोक, ब्लैक स्मोक, ज्यादा शूशा नहीं, और बस हो गया अपना। अब इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं, देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं इसमें परफॉर्मेंस में। बाकी लग तो ठीक ही रही है मुझे, कस्टमाइजेशन हमने ठीक की है। ट्राई करते हैं इसको स्ट्रीट्स पे, नॉट सो फास्ट बट मुझे आवाज़ ठीक लग रही है नाउ। स्पीड नहीं है, हैंडलिंग, हैंडलिंग भी नॉर्मल है, कोई बहुत सही नहीं है। ना स्पीड नहीं है यार कार में, हैंडलिंग ठीक है क्योंकि स्पीड भी कम है तो हैंडलिंग भी ठीक ही होगी, नॉट दैट बैड ईदर, बट स्लो है, नॉट द फास्टेस्ट। अब कार कलेक्शन जो बंदा करता है उसे तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक काफ़ी पुरानी कार है तो, और नई आई है GT ऑनलाइन में, तो लेनी पड़ेगी। बाकी स्पीड इसकी नहीं है इतनी खास, हैंडलिंग भी ऐसे ही है, एक्सेलरेशन, ग्रिप, एक्सेलरेशन भी स्लो है, और जो टायर की ग्रिप है वो भी बहुत नॉर्मल है,
तो ऑल इन ऑल नॉर्मल कार है, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसे लेना अगर किसी के पास पैसा कम है, बट कलेक्शन के लिए लेनी है तो हाँ यू कैन गो फॉर इट, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट एट ऑल। कार ठीक नहीं है, ये पर्सनली मुझे नहीं ठीक लगी। जैसे और 2.1 मिलियन की है ना, तो 2.1 मिलियन में तो आप काफ़ी अच्छी कार खरीद सकते हो। जैसे टेरेरो है अपनी, जो एक्सो आई है अभी, वो आई थिंक इतने की ही है, वो खरीद सकते हो आप, काफ़ी फास्ट भी है ना, एक्सेलरेशन भी नहीं है यार। सो कलेक्शन के लिए ठीक है, बट डेली यूज़ के लिए ठीक नहीं है ये कार, तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा लेना, महंगी बहुत है। इतने प्राइस में आप काफ़ी अच्छी कार ले सकते हो और दूसरी। तो ये था मेरा वर्डिक्ट, एंड वर्डिक्ट था ये भाई इस कार के लिए कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये कार लेना। तो आप बाकी अगर आपको लेनी है तो इट्स योर चॉइस। तो गाइज ये है आपकी बेनिफैक्टर SM722, जो कि एक नॉर्मल कार है, मेरे को कुछ ज़्यादा इसमें अच्छा नहीं लगा। स्पीड भी नॉर्मल है, टायर की ग्रिप्स थोड़ी ठीक है, एक्सेलरेशन ठीक है, नॉट दैट फास्ट। सो मेरा वर्डिक्ट ये है इस कार का कि आप इस कार को मत लेना अगर आपके पास लिमिटेड मनी है। अगर आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं GTA में तो आप ले सकते हैं इसको कलेक्शन के लिए, बट ऐसे मैं चलाने के लिए इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। तो यही था गाइज आज की वीडियो में। आज हमने एक अलग तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करी है, रनिंग कमेंट्री देने की कोशिश करी है वीडियो चलती में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम और बहुत सारा कंटेंट लाने वाले हैं चैनल के ऊपर, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, वी आर रियली क्लोज टू 350 सब्सक्राइबर्स, तो जल्दी जल्दी 350 सब्सक्राइबर पूरे करा दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई टेक केयर एंड बाय बाय।